नंबर सवाल बताइए जल्दी फटाक से पढ़ देते हैं हम। स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जब एक महिला के अंदर रिलीज होता है तो लड़की का द्वितीयक लक्षण आरंभ होते हैं? सर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर आरंभ होते हैं। क्या है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर? तो हमने आपको बताया था बहुत सारे होते हैं, जैसे कि सबसे पहला नंबर में तो उस लड़की का आवाज अपन क्या हो जाता है, पतली हो जाती है। आवाज क्या हो जाएगी, एकदम पतली, मधुर सा, स्वीट सा, प्यार सा, ए जी सुनिए ना, आवाज मीठा मीठा आवाज आने लगता है। चलिए दूसरा क्या है, तो दूसरा ब्रेस्ट का साइज, ब्रेस्ट बोले तो अस्तन का साइज क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। लेकिन हम आपको बताते हैं यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मुख्य लक्षण नहीं माना जाएगा, याद रखना। हम आपको बताते हैं ये भी पॉइंट, या आवाज का पतला, चाहे आवाज पतला हो चाहे अस्तन बढ़े चाहे न बढ़े। अब आप खुद सोचिएगा, जरा आपको बताते हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं होती है जिसकी आवाज पतली में मर्दानों से ज्यादा भारी होता, लगा कि भैंस उड़ा रहा है, एकदम भारी आवाज होता है, तो क्या कहोगे उस महिला का द्वितीयक लक्षण आरंभ नहीं हुआ है? क्या हुआ, महिला बच्चा नहीं दे सकती है? दे सकती है, परंतु उसके अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण का संपूर्ण कैरेक्टर नहीं दिखा है, जिसमें से आवाज उसका पतला नहीं है। कुछ ऐसी महिला होते हैं जो बाल बच्चा देते हैं, अस्तन का साइज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ता ही नहीं है, तो तुम उसको कहोगे बोलेगा कि प्रेग्नेंट नहीं होगी? लड़की होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन याद रखिएगा ये सब एक प्रकार का मुख्य कैरेक्टर नहीं माना जाता है। तीसरा नंबर में मुख्य कैरेक्टर क्या है, तो मुख्य कैरेक्टर होता है हमारा, मुख्य कैरेक्टर क्या हो जाता है, मासिक धर्म का आना। क्या होता है, माहवारी का आना, मासिक धर्म का आना। मासिक धर्म जो होते हैं यह मुख्य कैरेक्टर होता है, मेन कैरेक्टर होता है महिला का द्वितीयक लैंगिक लक्षण का, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर का होता है। चलिए आपका तो बताइएगा द्वितीयक लैंगिक लक्षण कब आरंभ होते हैं, या लक्षण कब देखने को मिलते हैं? तो जब लड़की के अंदर कौन हार्मोन रिलीज होता है, प्रोजेस्टेरोन। कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जबकि लड़का का द्वितीयक लैंगिक लक्षण टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जबकि रिलैक्सिंग हार्मोन कब आरंभ होता है, आपको पता है जब लड़की प्रेग्नेंट होती है उस समय रिलैक्सिंग हार्मोन का रिलैक्स रिलैक्स करने में मदद करता है। उस लड़की के अंदर गर्भ में बच्चा पलेगा तो कुछ फैलाव करता है आंतरिक संरचना को, वह कौन हार्मोन करता है, रिलैक्सिंग करता है। चलिए